देखो बच्चा, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे, इस वीडियो में उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ध्यान से समझना। देखो बच्चा, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैसे आया। अब मैं हर एक बॉक्स को फिल करना सिखाऊंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉक्स, इस कैपिटल आर को उतारो, इस कैपिटल आर को उतारो, इट विल बी कैपिटल आर, इन दोनों को उतारोगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। दूसरा देखना प्लीज, दूसरा बॉक्स क्या कहता है, इधर वाला बॉक्स, ये कैपिटल आर उतारा, ये कैपिटल आर उतारा, कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर क्या करोगे आप लोग, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, इधर से कैपिटल वाई उतारा, इधर से स्मॉल वाई। सिमिलर देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से कैपिटल उतारा, इधर से स्मॉल। लिखते वक्त बिटू थोड़ा सा ध्यान रखना, सुंदर लगता है देखने में, नहीं तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। उतारते वक्त पहले कैपिटल्स को उतारना, फिर स्मॉल्स को उतारना, पहले रियर, पहले राउंड वाले को उतारना, दोनों चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, फिर येलो वाले को उतारना, ठीक है। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई। ऐसे ही बिटू देखो, ये तभी बॉक्स बनेगा जब आप लोग जेन्युइनली बैठ के अपनी अपनी नोटबुक्स में इस क्रॉस को बनाएंगे। हो सकता है एक बार में ना भी बने, या देखो क्योंकि हम समझ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन का ड्रॉबैक तो आता ही आता है कि टीचर आप लोगों के सामने अवेलेबल नहीं होता। बट बिटू पता है फायदा क्या होता है, फायदा सबसे बड़ा होता है, आप जब तक खुद नहीं करके देखेंगे ना, आप लोगों का कभी भी ये बॉक्स नहीं बनेगा। देखो बच्चा, टिल नाउ हम लोगों ने इस बॉक्स को फिल कर लिया। अब आती है इस बॉक्स की काउंटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम काउंट करेंगे राउंड एंड येलो सीड्स। देखो बच्चा, आसान सी चीज है, हम लोगों ने राउंड एंड येलो सीड्स को कैसे काउंट किया, अब ध्यान से देखो। राउंड एंड येलो सीड्स का मतलब क्या था, राउंड एंड येलो सीड्स का मतलब था जिसमें एक कैपिटल आर आ गया तो वो राउंड हो गया, और एक कैपिटल वाई भी आ गया तो वो भी क्या हो गया, येलो हो गया। तो मैं क्या करूंगी, मैं राउंड एंड येलो को सर्कल में लेती चली जाऊंगी ताकि बिटू आप लोगों की काउंटिंग प्रात में प्रॉपर आए, ठीक है। जैसे कि ये राउंड एंड येलो, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। देखो ये चार हो गए, जस्ट वॉच दिस ऑल्सो, एक दो along with this, ये भी देखना प्लीज, एक ये है और एक ये है। तो देखो हमारे पास राउंड एंड येलो कितने हो गए, हमारे पास राउंड एंड येलो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सो देयर विल बी द 9th one। मैंने इसको सर्कल में क्यों रखा, क्योंकि ऊपर भी मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट करा है। नेक्स्ट में क्या करूंगी, नेक्स्ट में निकालूंगी राउंड एंड ग्रीन सीड्स। नेक्स्ट क्या निकालूंगी कि राउंड और ग्रीन कितने सीड्स हैं, तो ध्यान से देखना, राउंड और ग्रीन होने के लिए आर तो कैपिटल हो एक, पर वाई दोनों क्या हो बेटा, स्मॉल हो। तो मैं क्या करूंगी, इसको बॉक्स में ले लूंगी। देखो जैसे आर कैपिटल है पर वाई दोनों क्या है, स्मॉल, राउंड एंड ग्रीन। देखो आर कैपिटल है, वाई दोनों क्या है, स्मॉल, राउंड एंड ग्रीन। आर कैपिटल, वाई दोनों स्मॉल, राउंड एंड ग्रीन। थ्री, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नाम क्या आता है, नेक्स्ट आता है रिंकल्ड एंड येलो। देखो अब मैं क्या करूंगी, मैं रिंकल्ड एंड येलो को ट्राइंगल में ले लेती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को बात तक भी ना हो। देखो दिस आर रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, तो एक ट्राइंगल बेटा मैंने यहां बनाया, एक ट्राइंगल बेटा मैंने यहां बनाया, और एक ट्राइंगल मैंने यहां बनाया। और कुछ क्वेश्चन मार्क की बात ही नहीं है कि मुझे कैसे पता चला कि ये रिंकल्ड एंड येलो है। रिंकल्ड के लिए दोनों आर क्या होने चाहिए, स्मॉल, और येलो के लिए एक वाई, कम से कम एटलीस्ट वन वाई मस्ट बी कैपिटल, ठीक है ना। तो इसमें दोनों वाई है, इसमें एक है और इसमें एक है। और लास्ट क्या बचा, बचा लास्ट बचा रिंक, ये तो तीन हो गए थे, लास्ट बचा रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये कितने आए, वन आए, इसको मैं ऐसी शेप में ले लेती हूं। तो देखो अब आपसे कोई पूछे
व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया? तो बोले मैम हमने काउंट किया है, फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है रेशियो ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो हमने ऊपर काउंट किया, क्या काउंट किया हम लोगों ने, काउंट किया रेशियो इज 9:3:3:1। देखो रेशियो क्या आया, 9:3:3:1 आया। अच्छा अगला वर्ड क्या आता है बेटा, अगला वर्ड आता है जीनोटिपिक रेशियो, कि जीनोटिपिक रेशियो कितना आया। तो आप लोग बताएंगे द रेशियो विल बी 1:2, 1:2। देखो ऐसे याद कर रखा है मैंने 1:2:1:2, फिर उसके बाद लिखूंगी मैं 4, फिर उसके बाद लिखूंगी मैं 2:1:2:1। ये आप लोग काउंट बाद में कर सकते हो, ऐसे सिलेबस में भी नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं देती। किसी का मन करे ना तो पेन को टेढ़ा कर लेना, ये एक ये दोनों सेम 1:2, फिर ये एक ये दोनों सेम 2:1:2:1:2, फिर ये चारों सेम 4, फिर ये दोनों सेम 2:1:2, और ये लास्ट वाला क्या है 1। तो द जीनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1:2:1:2:1:2:4:2:1। भैया देखो बच्चा, अभी तक हम लोगों ने क्रॉस समझा कि डायहाइब्रिड क्रॉस क्या था, अब हम समझेंगे कि मेंडल के दिमाग ने इसमें कैसे कैसे काम किया। देखो बेटा मेंडल के दिमाग ने इसमें बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया। उसने क्या करा, उसने एक पौधा देखा, उस पौधे में राउंड और येलो सीड्स आ रहे थे, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स आ रहे थे दूसरी तरफ। अब उसने दोनों में क्रॉस कराया, क्रॉस का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया और कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कराया, तो जिसकी वजह से उसके पास जो फर्स्ट जनरेशन आई ना तो वो राउंड एंड येलो थी। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, क्योंकि क्या प्रूव हो गया था बेटा, वापस से लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव हो गया था। पर जब उसने F2 जनरेशन करवाई ना बेटा सेल्फिंग करा के, तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बोला जी हमने दो ही पेरेंट लिए थे, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। देखो ध्यान से सुनना, और अगली बार पेरेंट था राउंड एंड येलो, तो पेरेंट क्या, तो राउंड एंड येलो है या रिंकल्ड एंड ग्रीन है। अब जब नेक्स्ट जनरेशन आई बेटा F2 जनरेशन, तो उसके पैरों तले जमीन निकलनी थी। उसके पैरों तले जमीन क्यों निकली, बिकॉज ही सॉ कि कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड हो गए। कॉम्बिनेशन का मतलब राउंड एंड येलो भी बने, रिंकल्ड एंड ग्रीन भी बने, जो कि ओरिजिनली पेरेंट्स थे, बट बेटा राउंड एंड ग्रीन भी बने, रिंकल्ड एंड सीड्स भी बने, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो प्लीज, ही वॉज क्वाइट अमेज्ड, बोले भैया नई नई तरह के कॉम्बिनेशन बन गए, राउंड एंड ग्रीन सीड वॉज अ न्यू कॉम्बिनेशन एट ऑल, कुछ भी उसमें पुराना नहीं था, तो बिल्कुल अमेज्ड तो उसको होना ही होना था बिट्टू। तो इससे उसने कौन सा लॉ प्रूव करा, इससे उसने लॉ प्रूव करा दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो उससे उसने कौन सा लॉ प्रूव करा बेटा, इससे उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, करेक्टरिस्टिक्स मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। भैया करेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जी राउंड और येलो आपस में बंधे हुए, नो इट इज नेवर लाइक सो। ऐसा भी नहीं है रिंकल्ड एंड ग्रीन आपस में बंधे हुए, नो इट इज नेवर लाइक सो। उसने क्या समझा, उसने देखा भैया कि राउंड के साथ ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है और रिंकल्ड के साथ येलो का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखो बेटा आई एम जस्ट रिपीटिंग इट वंस मोर, क्या कह रहा है, उसने देखा कि फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स थे राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, फर्स्ट जनरेशन आई थी राउंड एंड येलो। तो पता है उसके दिमाग में शुरू शुरू में उसको क्या लगा, जी राउंड है वो तो येलो होगा ही होगा, ही थॉट इफ वन इज राउंड तो इट मस्ट बी येलो ऑल्सो। बट ही वॉज क्वाइट अमेज्ड, अचंभित रह गया वो। वो अचंभित कब रह गया बेटा, वो अचंभित तब रह गया जब F2 जनरेशन आई और F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट्स बने। रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब अलोंग विद द राउंड एंड येलो सीड्स एंड राउंड एंड ग्रीन सीड्स वर ऑल्सो फॉर्म्ड, भैया राउंड और ग्रीन सीड्स भी बन गए, जो कि एक्चुअली या ओरिजिनलिटी में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते थे। रिंकल्ड एंड येलो भी बने, ये भी थे, मतलब ये दोनों पेरेंट्स नहीं थे पर रिकॉम्बिनेशंस बने। तो इससे उसको क्या समझ में आया, भैया सब अपने इंडिपेंडेंट हैं। तो देखो भैया अब तुमसे कोई पूछे कि मेंडल को क्या क्या समझ में आया, देखो अगर कोई तुमसे पूछे हाउ डज मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आए हाउ डज मेंडल शो द लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रूव लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो कोई तुमसे कहे फॉर प्रूविंग
लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो कोई तुमसे कहे लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करो, ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है दैट इज, क्वेश्चन में आएगा, ट्रेड्स में भी रिसेसिव और मे बी डोमिनेंट, क्या तो ट्रेड्स रिसेसिव हो सकते हैं या फिर डोमिनेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा क्रॉस स्टार्ट करेंगे बेटा, उसके लिए आप क्रॉस पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो ध्यान से समझो, उसके लिए कौन सा क्रॉस एक्सप्लेन करा जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस एक्सप्लेन, मतलब पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, हाउ डज मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेड्स मे बी डोमिनेंट और मे बी रिसेसिव, तो उसमें फटाफट बिना सोचे समझे कुछ लिखो ना लिखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरा बना देना, 3 मार्क्स में एज इट इज क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। या फिर वो आपसे कहे क्या प्रूव करो बेटा, फॉर प्रूविंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ प्रूव करने के लिए दैट इज, उसका क्या मतलब होता है, दैट इज ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब होता है कि जो ए ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं, तो उसके लिए कौन सा क्रॉस एक्सप्लेन करा जाता है बेटा, उसके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस इज एक्सप्लेन्ड। इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली का मतलब सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटू, कोई बच्चा नहीं होता जिसको डाउट होता है, बोले भैया इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है मैडम अपने साथ किसी के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि जो रीज राउंड है वो येल्लो भी होगा, नहीं नहीं, बोले मैडम जो राउंड है वो ग्रीन भी हो सकता है और जो येल्लो है वो रिंकल्ड भी हो सकता है और इसका अपोजिट भी हो सकता है। बच्चा और किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालना, सरप्लस बेटू इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।